हाँ भाई, सानू पता ही है असी किस मकसद वास्ते इत्थे कट्ठे हुए हैं। महाराज सावन सिंह इस सुबह दे वक्त नूं बड़ा सुहावना दसदे हुंदे सीगे, क्योंकि असी सौं के उठे हुंदे आ, सारे ख्याल इस वक्त दुनिया दे भुल्ले हुंदे आ और ताज़ा शरीर हुंदा है, आत्मा का भी शरीर के अंदर नया नया प्रवेश होया हुंदा है, क्योंकि सौण वेले पिछे हटिया हुंदा शरीर। सानू इस मौके तो वो दसदे हुंदे सीगे कि पूरा फायदा उठाना चाहिए है। फायदा असी किस तरह उठा सकते हैं? मैं हमेशा ही दो तीन बातें संगत दे अंदर दोहरा हुंना बोलता हुंना है कि मन में शांत करो। शांत मन ही अभ्यास कर सकता है। शांत तो मतलब कि जो संकल्प विकल्प साढ़े अंदर दुनिया के उठ रहे हैं, कदे कोई ख्याल आता है, कदे कोई आता है, अगर जे तुसी मन में जवाब दे के बैठोगे शांत तभी होएगा जे दुनिया की सोचनी नू खत्म करोगे। अभ्यास नू कदे बोझा ना समझो, प्रेम प्यार ना। अगर आपां किसी दुनियादार बंदे का भी कोई कारोबार करिए खुश हुंदा है, अगर जे असी उस परमात्मा गुरुदेव का काम बताया होया जिहड़ा सानू प्रेम प्यार ना करिए उहदी भी असी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और बाहरले खुराक तो मतलब यही है कि सानू शहरां दे विच्चों बड़ा एक अच्छा ज्ञान मिलता है कि हर आदमी अपनी कार नू अपनी गड्डी नू बगैर किसी झिझक तो दौड़ाई जाता है, अपनी मंजिल की तरफ ही उसका ध्यान है, इधर उधर नहीं ध्यान करता गा। उसनू पता है कि मेरा टाइम खराब हुंदा है, मैं मंजिल ते जल्दी पहुँचना है। सो सानू भी किसी खुराक की तरफ बाहर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ जो सानू साडे गुरुआ ने बताई है ध्यान रखना चाहिए है कि साडा टाइम रस्ते दे विच खराब ना होवे दुनिया के सोचण ते असी मंजिल ते जल्दी पहुँच गए। तीसरे तिल का साडे अभ्यास दे नाल अंदर जाण दे नाल गहरा तुलक है। गुरु नानक ने भी कहा कि जे कोई पावे तिल का मान, अगर कोई तीसरे तिल ते अपने ख्याल नूं अकागर कर ले, क्योंकि साडे घर नूं जाण दा गोहा ही तीसरा तिल है। तीसरा तिल उस जगह नूं कहिंदे आ जो दोनों परवटियां दे दरमियान जिथे अजकल बीवियां टिक्का लाउंदियां हन और या पंडित लोग इत्थे टिक्का लाउंदे है, उस जगह दे उत्ते असीं अकागर होना है, इधर उधर नहीं भटकना गा। क्राइस्ट ने कहा सीगा कि मेरे पिता के घर अंदर अनेक ही भवन हैं, उस पिता ने थानू आपके भवनों के मकानों के बाहर कढ़िया होया है। अगर तुसी प्यार नाल उस बूहे नू खड़काओगे, बूहा वो अंदरों खोल देवेगा। संत सतगुरु जिहड़ा सानू सिमरन दिंदे है इस जगह पर बैठने वास्ते कहिंदे आ अकागर होने वास्ते, ये असी सिमरन एक किस्म का वह बूहा खड़का रहे हैं। वो परमात्मा गुरु शब्द रूप जो नामदान देने दे वक्त साडे अंदर बैठ जाता है, जब वो सानू देखता है कि मेरे लिए बूहा खड़का रहे है, वह फौरन बूहा खोल के सानू अपने कुलावे विच ले लेंदा है। गुरु नानक कहिंदे कि सबनों इस उस दी ये वड्डी रीत है, जिन्हों एक बारी कुलावे दे अंदर ले लवे उन्हों फिर छड़दा नहीं, उन्हों फिर विछोड़दा नहीं। जिस वस्तु की सानू खोज है और जिसकी खोज वास्ते परमात्मा ने सानू इंसानी जामा दिता है, सानू बाहरों ख्याल हटा के अंदर ले जाना चाहिए है। वो वस्तु सानू अंदरों ही मिल जाएगी, जिसनू प्राप्त करने वास्ते बाहर सानू किसी भी रीति रिवाज की लोड़ नहीं पैंदीगी और किसी कर्मकांड करने की जरूरत नहीं गी। सिर्फ ख्याल नूं बाहरों हटा के तीसरे तिल ते अकागर करना है। वो वस्तु साढ़े अंदर ही है।